कितने लोग यीशु की इस बात को जानते हैं जो उसने कही अपने वचनों में, मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता। डू यू नो, कितने लोग एग्री करते हैं इस बात को, मैं मनुष्यों से आदर। आप में से कितने लोग को इंसान की इज्जत नहीं चाहिए? लिफ्ट योर हैंड, हाथ उठाइए, सोच समझ के उठाइएगा, मैं इसके बाद सवाल पूछूंगा। गुड, गॉड ब्लेस यू। सुनिए, एक बहुत सुपर्ब थिंग है जो मैं आपको बता रहा हूं। हम 5 मिनट में वचन चालू करेंगे, हाफ एन आवर का, फिर हम लंच करेंगे। लिसन जस्ट अ सेकेंड, ये लाइट तो बंद कर दो ब्रदर, दिनेश लाइट बंद कर दो। सुनिए, मैं अंदर से कैसा हूं यह मुझे कभी कलीसिया में नहीं मालूम पड़ेगा, लेकिन मैं अंदर से कैसा हूं यह मुझे तब मालूम पड़ेगा जब मेरी मुलाकात बुरे लोगों से होगी। एग्री? एक बार क्या हुआ, मैं बॉम्बे गया था CST, वहां पर बाइबल सोसाइटी की एक बहुत बड़ी दुकान है, वहां से चर्च के लिए बाइबल्स खरीदने के लिए गया। तो उन दिनों में मुझे इतना पता नहीं था कि लगेज क्या होता है और जनरल डब्बा क्या होता है, तो मैं भूल से लगेज में चढ़ गया, और आपको पता रहता है लगेज में बीच में डंडा नहीं रहता है। तो मैंने सोचा यार ये स्पेशल ट्रेन लग रही है, बाद में मालूम पड़ा मछली की बदबू आ रही थी अंदर, तो बाद में मुझे मालूम पड़ा कि एक्चुअली ये तो लगेज है। जैसे मैं चढ़ गया, मैं ऐसे बैठ गया, मेरे पापा का कंपार्टमेंट है जगह जैसे, और मैं जाके बैठ गया, तो सब मुझे बोल रहे थे कहाँ जाना है, तो मेरे उल्लासनगर जाना है, अंदर हो जाओ दादर आने वाला है। तो मैं बोलता हूँ फिर क्या हुआ, मैं शाणा बन के बैठ गया, फिर क्या हुआ, और बीच में मस्त बॉक्स लगा के उसके ऊपर बैठ गया। और जैसे दादर आई, सुनिए, जैसे दादर आई, मैं कहाँ था, डब्बे कहाँ थे, कुछ नहीं पता था, मेरा बॉडी कहाँ था, ये कहाँ था, और मुझे अंदर से हो रहा था मैं एक एक को पकड़ के मारूं। लेकिन इससे पहले मालूम है प्रॉब्लम क्या हुआ था, मैंने चर्च में बहुत बार गवाही दी थी कि मैं बहुत हम्बल बन चुका हूँ। प्रॉब्लम ये था। डू यू नो आप हम्बल हो कि नहीं हो, ये कैसे मालूम पड़ता है, जब आप ऐसी सिचुएशंस में जाते हो। ऑलवेज रिमेंबर, हर टीचिंग यहां मिलेगी लेकिन परीक्षा संसार में ली जाएगी। ऑलवेज रिमेंबर, और समझो आपको वहां पर प्रॉब्लम हुआ, गुस्सा आया, आपको पता है जिन लोगों ने आपके साथ ऐसा किया ना, मैं बोलता हूं भी पैर पड़ना नहीं है हमको, लेकिन उनके पैर पड़ के जाओ, उनको बोलो ब्रदर धन्यवाद, क्यों, सूरज ने भी जो नहीं कर पाया वो आपने किया है, सूरज भी हमको इतनी रोशनी नहीं दे पाया जितनी आपने हमें दी है, थैंक यू। अब मैं घर जाऊंगा और गुस्से के लिए प्रार्थना करूंगा, प्रभु मुझे निकाल यहां से। आप सोचो जब आप जजमेंट सीट के सामने खड़े रहोगे और आपके अंदर 100 पाप हों और मैंने आपको नहीं बताए हैं, परमेश्वर क्या जज करेगा मुझे। लेकिन सोचो अगर आपको यहीं पर सब कुछ मालूम पड़ रहा है, आप कितने क्लियर हो सकते हो, ये तो परमेश्वर मेरे थ्रोट को पकड़ेगा और बोलेगा तूने इनको क्यों नहीं बताया था। याद रखिएगा, आप और मैं दूसरे के खून से तभी आजाद हो सकते हैं जब उन्हें हम परमेश्वर का पूरा अभिप्राय बताएंगे। पॉल से इन अ बुक ऑफ एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल चैप्टर 20, आई प्रीच होल काउंसिल ऑफ गॉड। खाली एक बात नहीं कि दशमांश दो, खाली एक बात नहीं कि अन्य भाषा बोलो, वो कहता है मैंने तुम्हें सारा अभिप्राय बताया है और मैं तुम्हारे खून से निर्दोष हूं। इसीलिए मैं पुलपिट से कभी भी खाली एक ही चीज प्रचार नहीं करता हूं, जो बातें जरूरी हैं वो मैं बतानी है सब। आज मैं आपको एक बात बताता हूं, याद रखिए, बहुत सारे लोग इस बारे में नहीं जानते, लेकिन आज आप जानो। आप जानते हो आपकी सबसे बड़ी टेस्ट क्या होती है, द बिगेस्ट टेस्ट। सुनिए, आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं कि परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि मैं तुझे एक वंश दूंगा, परमेश्वर ने वंश दिया, उस वंश ने जंगल में परमेश्वर को बहुत परेशान किया, और जानते हैं प्रभु उनसे इतना तंग हो गया कि प्रभु ने मूसा से कहा एक काम कर, इन सबको मैं खत्म कर रहा हूं और मैं तेरे द्वारा एक नई जाति बनाऊंगा,
जानते हैं मूसा ने क्या कहा? अगर तू इन्हें मारेगा तो लोग क्या कहेंगे कि तू इन्हें मारने के लिए निकाल के लेकर आया था? आप जानते हो जब ये मूसा ने ये कन्फेशन किया कि तू उनको क्यों मारेगा, जानते इसका मतलब क्या था? परमेश्वर मूसा को इब्राहिम की जगह दे रहा था। हट जाए इब्राहिम, यहां से सब निकल जाए, मैं तुझे खड़ा कर रहा हूं और तेरे द्वारा एक नया वंश। आप सोचो मूसा को क्या पदवी देने वाला था प्रभु, लेकिन इब्राहिम मूसा क्या बोलता है? नहीं चाहिए। जब उसने ये देखा, ये पूरा गिनती 32 में लिखा है और 33 में जानते हैं क्या लिखा है, तब परमेश्वर मूसा से आमने सामने बातें करने लगा। आप में से कितने लोग ये विश्वास करते हैं परीक्षा में से पास होने के बाद आप परमेश्वर के नहीं, परमेश्वर आपके करीब आ जाता है? डिड यू बिलीव? कौन सी परीक्षा? जब आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती और उसके बाद भी आप बोलते हो लॉर्ड आई एम हैप्पी विथ यू, मुझे नहीं चाहिए ये फालतू आदर। इसलिए पतरस कहता है अपने पत्री में, जब हम उस पवित्र पहाड़ पे थे तो हमने देखा कि उसने पिता से आदर पाया, पिता से महिमा पाई। आज आप किसी भी चर्च में चले जाओ, 15-20 मिनट ऐसा टाइम वेस्ट होता है, ये हमारे रेवरन, ये हमारे पास्टर, ये हमारे डॉक्टर, ये मेरे, ये मेरे को लगता है 20 मिनट लेट आना चाहिए था एक्चुअली, ये हमारे ब्रदर, इन्होंने इस कलीसा की शुरुआत की थी, इनके हाथ देखो कटा हुआ ना है, इनका ब्लड यहाँ बहा है। मैं बोलता हूँ बनकर भाई दया कर मुझ पर, मैं पहले से एनासन गुरु लेकर आया हूँ, तू फिर से मुझे मार रहा है। मुझे एक बात बताइए, ये पुलपिट हमें अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए मिला है? मैं एक मीटिंग में गया था, वहां पर आधा घंटा यही बात चली, ये हमारे रेवरन, इनके ऊपर भी कोई थे, उन्होंने इनको अपॉइंट किया, फिर ये किया, मैं वो किया। मैं लिटरली, मेरे को मन कर रहा था प्रभु मैं एक बार सुनाऊं, मैं पश्चाताप करूंगा बाद में मुझे क्षमा करना। ये पुलपिट प्रभु यीशु मसीह के लिए है। दिस पुलपिट इज फॉर द गॉड द फादर। ये पवित्र आत्मा के लिए मिला है, किसी को यहां से टोंट करने के लिए, किसको सुनाने के लिए नहीं मिला है कि मैं अपनी पर्सनल बड़ास आपके ऊपर निकालूं। बोलो जय मसीह की। कितने लोग एग्री करते हैं मेरे साथ? मेरी मम्मी यहां आई हुई है, मैं इतना था जब से मुझे पाला है, अभी बड़ा कर दिया है, सब मुझे बोलेंगे। ये हमारी सिस्टर रेखा, ये देखो हमारी आंटी पुष्पा, ये हमारे चश्मिश भाई मयूर, ये देखो हमारा पतला भाई सागर। आपको पता है, दुख की बात बताता हूं, मैं बहुत सारी मीटिंग में जाता हूँ, हर बहुत सारी प्लेसेस प्रचार करने जाता हूँ, मुझे सब मिलते हैं, सिर्फ एक ही आदमी नहीं मिलता, जीसस। सब मिलते हैं लेकिन एक वो दिखाई नहीं देता। ढूंढता हूँ उसको, वो किधर है जिसके लिए आया हूँ, वो कहाँ है? यूनानी लोग आंद्रियास को कहते हैं, हे माश, यीशु कहाँ है? हम तुझसे मिलने नहीं आए हैं, वेयर इज जीसस? वो यीशु के पास जाते हैं और यीशु उनको बोलता है, जाओ उन्हें कहो राई का दाना जमीन में पड़ के जब तक मरेगा नहीं वो फल नहीं लाता। जानते हो यीशु अपने चेलों को क्या बोल रहा था? अगर तुम चाहते हो ना कि लोग तुम्हारे अंदर मुझे देखें तो मरना शुरू हो जाओ। दैट इज अ वे। कितने लोग ये बात चाहते हैं? सच बताइएगा कि इससे पहले कि आज की जनरेशन यीशु को बादलों पर देखे, उससे पहले आज की जनरेशन उसे आपके अंदर देख पाए। टेल मी, ये कितने लोग चाहते हैं कि इससे पहले कि लोग यीशु को बादलों पर देखें, उससे पहले लोग यीशु को आपके अंदर देख सकें? हाउ मेनी पीपल हैव डिजायर? है कोई यहां पर? तो मैं आपको बताऊं क्या करना है। होठों को सीलो, परमेश्वर से कहो जब तक तू लीड नहीं करेगा आई विल नेवर टॉक। आप में से कितने लोग ये प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरा एक एक थॉट, मेरा एक एक लब्ज तुझे महिमा दे। अंकल जी आई बहुत प्लेस है। बोलो जय मसीह की। अवर लाइफ इज लाइक अ अरोमा बिफोर हिम। अगर आप चाहते हैं कि यीशु बादलों पे आने से पहले आपके अंदर दिखाई दे तो एक ही रास्ता है, डाई। आपको पता है, मैं एक सेमिनार में गया था, 2 दिन की सेमिनार थी, वहां पर टोटली शैतान से लड़ने के लिए सिखाया गया कौन सा वचन कहां कहां बोलना है। और मैं आपको सच कहता हूं, मुझे बहुत सारी बात समझ में आई लेकिन मैंने देखा, आपको पता है यीशु ने शैतान से लड़ने के लिए बाद में, पर पहले उसने अपने आप से लड़ना सिखाया हमें।
यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो अपना इनकार करे। इसका मतलब क्या है? शैतान से बाद में लड़ेंगे, पहले खुद से फाइट करना सीखो। और याद रखना, जिसने अपने आप को हरा दिया वो शैतान को भी हरा देगा। बिलीव। जैसे कि कैसे, ये कैसे होता है? समझो आपके घर में कोई है जो आपको हमेशा इरिटेट करता रहता है, जॉब में कोई है, हर एक के घर में कोई ना कोई। अगर आप याकूब हैं तो प्रभु लाबान से तो जरूर मिलाएगा आपको। सुनिए सुनिए, कोई ना कोई तो हमारे पास ऐसा रहता है जो हमको इरिटेट करता है। आपको पता है जब वो आपको सुनाते हैं, पता रहा यही, प्लीज बहुत प्लेस आइए, जब वो आपको सुनाते हैं और आप चुप रहते हो, तकलीफ होती है, कितना सहना पड़ता है। जानते इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मरना। पौलुस कहता है यदि हम उसके साथ मर गए तो हम उसके साथ जिएंगे भी। यही तो है मरना। मरने का मतलब आप क्या समझते हो? मैं चर्च पहुंचा हूं ब्रदर, ये देखो, हाँ मैंने, मैं बहन से बात कर रहा था उस दिन, मैंने कहा सिस्टर आप प्रभु में कैसे हैं? एक घंटा बाइबल पढ़ती हूं, आधा घंटा प्रेयर करती हूं, हर मीटिंग आती हूं, मैं बहुत ब्लेस्ड हूं। मैंने कहा तुझसे ज्यादा मेरे लोग ब्लेस्ड हैं। इससे आप ब्लेस नहीं है। आप में से कितने लोग ये बिलीव करते हैं वचनों को याद करना उन्नति है? आपको बताऊं, अगर ये बात सच है तो सबसे ज्यादा उन्नति शैतान ने की है। एक एक वचन याद है उसको। उन्नति वचन को याद करना नहीं है, उन्नति अपना क्रूस उठाना है। साधु सुंदर सिंह ने कहा एक ही बार ये मौका मिला है, मत गवाओ। दिस इज नॉट अ बर्डन, दिस इज अ प्रिविलेज। कितने लोग ये बिलीव करते हैं क्रूस उठाना एक बोझ नहीं है, एक आदर है। सुंदर सिंह की किताब में लिखा है एट द मास्टर्स फीट, पेज नंबर 34, आप पढ़ सकते हैं। वो कहता है क्रूस उठाना कोई बर्डन नहीं है, वो एक प्रिविलेज है कि यीशु हमें अपने फुटस्टेप दिखे गया कि उस पर चलें। आपको पता है क्रूस उठाने का अर्थ क्या होता है? डू यू नो? बताऊं? कुछ लोग तो सुनेंगे ही नहीं। अन्याय सहने का मतलब होता है क्रूस उठाना। अन्याय, तुम्हारी 1% गलती नहीं है, फिर भी तुमने 10 गालियां सुनी और तुमने रिप्लाई तक छोड़ो, एंग्री एक्सप्रेशन भी नहीं दिखाए। ओके, दैट इज क्रॉस। अन्याय सहना। 2016 साल पहले अगर आप इज़राइल में रहते तो आप एक नासरत के व्यक्ति को देखते जो अन्याय सह रहा था, क्रूस उठा रहा था। उसके बाद जो लाइफ आएगी ना आपके पास, मेरे पास वर्ड्स नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए। मैं वो कह रहा हूं जो मेरे अंदर है। छोड़ दो, जिसको जो करना है करने दो, वो बात करेगा। दाऊद कहता है मेरा छुटकारा उसकी तरफ से है। छोड़ दो, लड़ना बंद कर दो, चिल्लाना बंद कर दो, बातों को ठीक करना बंद कर दो। श्याम भाई आइए आइए, पहुंच गए। आप चाहते हैं आपकी तरफ से परमेश्वर मूव हो आगे? हाउ मेनी पीपल वॉन्ट? क्या आप चाहते हो कि बस अब मैंने जितना एफर्ट लगाया बस हो गया, लोगों को बदलने की कोशिश की मैं बिगड़ गया, बहुत लोग को बोला भाई ऐसा करो, नहीं हुआ। मैं आपको बताता हूं, जितने भी लोग अपने आप से थक गए हैं ना, आज वचन उनके लिए है। बोलो थके। हाँ, यीशु ने कहा ए बोझ से थके हुए लोगों, पास्टर के पास जाओ और उसके बाल खींचो। पास्टर ये क्यों नहीं हो रहा? बहुत जल्दी यहां के बाल उड़ने वाले मेरे। यीशु ने क्या कहा? आज प्रॉब्लम क्या है? एवरी पास्टर चर्च को बोलता है एवरी प्रॉब्लम कॉल मी। गाना गाइए, एवरी प्रॉब्लम कॉल मी, एवरी प्रॉब्लम कॉल मी। बाइबल कहती है इफ यू हैव अ प्रॉब्लम कॉल टू जीसस। मैं भी क्या करूंगा, आप उसको ही पुकारूंगा आपके लिए। तो आप क्यों मीडिएटर की नीड है? आपको सीधा उसको पुकार लो, वो छुड़ाएगा, राइट है? आइए एक वचन पढ़ेंगे हम, पहला पत्रस, द बुक ऑफ 1 पीटर। कोई पढ़िए 2 का, 2 का
सॉरी हाँ दो का 21 से पढ़िए 21 से। आइए सब कॉन्सेंट्रेट कीजिए, सिर्फ 15-20 मिनट का ही वर्ड है, पढ़िए कोई। हाँ हम किस चीज के लिए बुलाए गए हैं, अब सुनिए। बस सब यहां देखिए, पत्रस अपनी पत्री में कहता है तुम इस चीज के लिए बुलाए गए हो कि जैसे वो दुख उठा के तुम्हें एक आदर्श दे गया। आप जानते हैं कोई भी इंसान आज दुख नहीं चाहता, सबको कंफर्टेबल लाइफ चाहिए, घर में एसी चाहिए, एलईडी टीवी चाहिए, घर से मार्केट तक भी गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, हर चीज चाहिए। पर आप में से कितने लोगों ने थिस्सलुनीकियों में यह वचन पढ़ा है, हे मेरे भाइयों मैं तुम्हें इनकरेज करता हूं, पौलुस कहता है कि तुम इन कलेशों के अंदर स्थिर हो क्योंकि हम इन कलेशों के लिए ही ठहराए गए हैं। कितने लोग ये बात जानते हैं मसीह में क्यों बुलाए गए हैं? हाँ आपको ये बात कोई नहीं बताएगा, सब बोलेंगे यीशु में आओ तुमको ये मिलेगा, यीशु में आओ तुमको ये मिलेगा, तुम्हें एक्लियर मिलेगा, तुम्हें चॉकलेट मिलेगा, तुम्हें टेम्पटेशन मिलेगा, तुम्हें ये मिलेगा। लेकिन पतरस कहता है आओ हम उसके पद चिन्हों पे चलें क्योंकि जैसे वो दुख उठाकर गया उसने हमें भी ये आदर्श दिया कि हम उसके पद चिन्हों पर चलें। अब मुझे एहसास होना चाहिए, समझना चाहिए पतरस किन दुखों की बात कर रहा है, वो क्या समझाने की कोशिश कर रहा है आज की जनरेशन को। कितनी बड़ी बात है एक अनपढ़ जो किताब लिख के गया, आज पढ़े लिखों को समझ में नहीं आती है, बड़ी बात है ना ये। एक अनपढ़ व्यक्ति ऐसी किताबें लिख के गया है कि हम इंटेलिजेंट लोगों को समझ में नहीं आती है। दिस इज अ विजडम ऑफ गॉड। अब देखो वो क्या बोलता है, यीशु किस तरह गया, आगे पढ़िए। न तो उसने पाप किया, वेट क्या बोल रहा है, उसके मुंह से छल की कोई बात नहीं निकली। बोलो छल, इंग्लिश में क्या लिखा है? हाँ कोई भी ऐसी चीज उसके मुंह से नहीं निकली। मैं आपको एक बात बताता हूं, जब आप प्रभु की बड़ाई करते हैं तो प्रभु के कौन से नामों का इस्तेमाल करते हैं? राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक, आकाश और पृथ्वी का सृजनहार, महान, अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, अति करुणामय, करुणा निदान, दुख दे के पछताने वाला, यहोवा योदा है उसका नाम, प्रभु है, आकाश और पृथ्वी का मालिक। आपको पता है ये नाम उसको कलीसिया ने दिए बाइबल से देखकर। लेकिन आपको पता है जब यीशु मसीह पृथ्वी पर था तो उसे कौन से नाम मिले थे? पहला नाम उसे मिला था पागल। आपको किसने बोला है पागल? आप बोलोगे कहां लिखा है? आपको हैरान हो जाओगे आप यह सुन के, यह नाम उसको उसकी मां ने दिया था। 6 अध्याय यूहन्ना में वो कहती है मेरे बेटे का चित ठिकाने पर नहीं है। इंग्लिश में लिखा है इज अ क्रेजी गाय, पागल हो गया है, बिजनेस बंद करके सेवकाई करता रहता है। एक तो मैं विधवा हूं, ऊपर से मुझे कुछ देता नहीं है। क्या बोलते हैं उसको लोग? पागल। कितने लोगों को ये नाम मिला है? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कोई आपको ऐसे ही मजाक में, बहुत सारे लोग बोलते हैं तू है ही पागल, बोलते ना तू है ही चरी, बोलते हैं ना। लेकिन ये नाम उसको सीरियसली मिला था कि ये पागल है। दूसरा नाम, कितने लोग ये बात जानते हैं, यीशु फरीसियों के साथ नहीं, यीशु की संगति थी वैश्याओं के साथ, चोरों के साथ, चुंगी लेने वालों के साथ। लोग उसको क्या बोलते थे? देखो पापियों का मित्र, द फ्रेंड ऑफ सिनर्स। तीसरा नाम, अगर मैं वहां पर आज किसी को भी उसकी कास्ट को लेके कुछ नहीं बोल सकते हो, झगड़े हो जाएंगे वहां पर कि आप किसको बोलो। लेकिन आप जानते हो यीशु को लोगों ने क्या कहा, वो सामरी है,
इसमें दुष्ट आत्मा है, इट कॉल ही इज अ शेड्यूल कास्ट। आपको कभी ये नाम मिला है? पागल, दूसरा नाम क्या बोला मैंने? पापियों का मित्र। अब तीसरा नाम क्या आ रहा है? शेड्यूल कास्ट। अब चौथा नाम, सब कहते थे वो झूठा भविष्यवक्ता है, फॉल्स प्रॉफिट। ये जो बातें सिखाता है, ये मोसेस के लॉ के अगेंस्ट में बातें हैं। ये बोलता है कि मैं मंदिर को ढा दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, उसके बाद भी उसे सुन लिया। अब पांचवा नाम, कितने लोग ये बात जानते हैं, उसको एक पांचवा नाम भी दिया गया था। बोलिए कौन सा था वो? पियक्कड़, ड्रंकर, ड्रिंक करता है वो। छठवा नाम पेटू, क्योंकि ईशु फास्टिंग नहीं करता था। सबत के दिन बाले तोड़ तोड़ के खाते थे वो लोग। आपको पता है ये बात अलग है कि ईशु ने अपने पहले के 30 साल बहुत फास्टिंग की, लेकिन बाद में उसने ना के बरोबर फास्टिंग की। इट्स अ बैलेंस लाइफ। ये नाम, और कोई नाम जानते हैं उसका? बाल जबूल, हिब्रियों में, हिंदी में लिखा है शैतान का सरदार। अगर मैं आपको ये सब नाम दे दूं ना, मैं लिख के देता हूं यू कमिट सुसाइड। यार मेरा कोई वैल्यू ही नहीं है, ये क्या है? इधर जाओ, 3 नंबर में जाओ तो बोलते हैं पापियों का मित्र, 5 नंबर जाओ तो बोलते हैं सामरी, 1 नंबर जाओ तो बोलते हैं ऐसा, यहां यहां, पांचों कैंप में मेरा नाम खराब। पर आपको पता है, ये सब नाम सुनने के बाद पत्रस कहता है उसने एक काम किया, जानते क्या? वो चुप रहा, वो शांत रहा। इसे कहते हैं अन्याय सहना। न तो उसने गाली दी, क्यों गाली नहीं दी? न तो उसने गाली के बदले गाली दी, न दुख उठा के धमकी दी। आपको पता है यीशु मसीह क्या कर रहा था? जब यीशु अपने दिनों में इतना रिजेक्ट किया गया, इतना नकारा गया, वो कुछ नहीं बोलता था, वो चुपचाप से लोगों के पास जाता था उन्हें ठीक करने, दुष्ट आत्माएं निकालता था, कोढ़ियों को शुद्ध करता था, मुर्दों को जिलाता था। लेकिन वो जानता था, अगर मैं बात नहीं करूंगा तो एक दिन पिता बात करेगा। आप में से कितने लोग ये बात विश्वास करते हैं कि परमेश्वर उनकी तरफ से बात करता है जो अपनी तरफ से बात नहीं करते? एक बहन थी, उनके घर में झगड़ा हुआ, पति को मारा और फिर प्रभु को जाके बोला, प्रभु तू भी मत छोड़ना। प्रभु बोलेगा, तूने ही नहीं छोड़ा तो भी मैं क्या करूं। आपको लगता है परमेश्वर ऐसों की लड़ाई लड़ेगा? आपको लगता है? शांत रहो, 14:14 निर्गमन में लिखा है, शांत रहो, यहोवा आप तुम्हारे लिए लड़ेगा। अगर आप चाहते हो ना कि आपका पैसा कहां अटका हुआ है वहां से निकले, अगर आप चाहते हो ना कि परिवार के अंदर जो बुरी संगति में लोग हैं वो निकले, अगर आप चाहते हो ना कि ये चीज ठीक हो, ये चीज ठीक हो, पहले पहले उनको समझाना बंद करो। हमारे घर पे एक बेबी है, साहिल नाम है उसका, आता है कर्टन्स खींचता है। कभी कभी दीपा उसको बोलती है, साहिल मत कर ना, मैं बोलता हूं मत बोल, करके दिखाएगा, फिर छोड़ दे, बेबी है वो। याद रखिएगा, जो कोशिश आप कर रहे हैं ना, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आप बहुत लोगों को बोलोगे चलना चर चलना चर चलना, आप जानते हो ऐसे कौन लोग बोलते हैं चर चल चर चल चर चल, जिनके अंदर यीशु मसीह नहीं है। और बाइबल कहती है वो अपने पहाड़ से नीचे उतरा और लोग जमा हो गए। कैसे जमा हो गए? यीशु मसीह के पास कोई मोबाइल नहीं था कि 100 लोगों को SMS किया, 15 मिनट में नीचे उतर रहा हूं। जमा हो जाओ, जिसे हम लोग SMS करते हैं एक दूसरे को, आज मीटिंग है भाई पहुंच जाना। क्या यीशु के पास कोई फोन था? क्या यीशु ने उन लोगों को एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था? क्या एक के पास भेजूंगा सबके पास चला जाएगा? पत्रस को बोल देता हूं, वो खुद ही सबके पास भेज देगा। मुझे बताइए क्या था यीशु के पास? आज हम कैसे इकट्ठे होते हैं तो इंटीमेट करते हैं एक दूसरे को, भाई कल मिलना, एक रात पहले फिर से SMS कर देते हैं सब मिलना। यीशु के पास कोई व्हाट्सएप ग्रुप था क्या? हाँ, जिसका एडमिन पत्रस या अंद्रियास हो, टेल मी। बोलिए बोलिए, जय मसीह की। तो लोग कैसे जमा हो गए थे? हाउ? बहुत गहरी बात मैं आपको बता रहा हूं, विथ माई ब्रोकन हार्ट। कैसे लोग उसके पास आते थे? क्यों आते थे उसके पास लोग? आज हमें क्यों एक दूसरे को बोलना पड़ता है चर्च आओ चर्च आओ चर्च आओ? रीजन जानते हैं क्या है? वो सब जानते थे, ये नीचे आएगा और हम इसमें से पिएंगे। दे नो,
बंद कर दीजिए स्ट्रगल, करना है कुछ, आप चाहते हैं लोग आपके द्वारा आशीषित हो, आपकी फैमिली आपके द्वारा ब्लेस्ड हो, सबसे पहले समझाना बंद कर दो। आप चर्च आओ, आप यहां पर आओ, आप यहां पर आओ, आप यहां पर आओ, स्टॉप। तो ब्रदर क्या करें, डाय, मर जाओ। एक परमेश्वर का दास था बेंगलोर में, आज भी है, वो मेरे टीचर हैं, भाई जैक पोनन, जकराय पोनन। एक बार बेंगलोर में एक आदमी उनसे मिला, आप जानते हैं उन्होंने उसको क्या बोला, तू चाहता है बेंगलोर विश्वास में आए? बोला हाँ। बोला डू वन वर्क, सिर्फ एक काम कर। बोला क्या? डाई, मर जा। मरने का मतलब समझते मरने का मतलब समझते? मैं बोलता हूं पति बुरा चलता है, कुछ मत बोलो, शांत रहो। आप क्या बोलोगे? किस टाइम? अगर आप शांत रहोगे आप मरोगे। जिस दिन आप अपना इनकार स्टार्ट करोगे, पवित्र आत्मा आपके अंदर काम करना शुरू करेगा। यीशु मसीह ने किसको इनवाइट नहीं किया? यीशु के पास लोग खुद आए। क्यों आए? क्योंकि उसके पास वो था जो फरीसियों के पास नहीं था। क्या था उसके पास? पवित्र आत्मा की भरपूरी, द फुलनेस ऑफ गॉड। आगे पढ़िए ब्रदर, क्या लिखा है सुनिए। कितने लोग आज ये डिसीजन ले रहे हैं इस मीटिंग में कि आज के बाद जब भी कोई मुझे बुरा कहेगा मैं उत्तर नहीं दूंगा, और आज ही टेस्टिंग होगी। बोलो जय मसीह की। कितने लोग आज ये डिसीजन ले रहे हैं कि आज के बाद कोई मुझे कुछ भी कहे, I never reply। हां जी, बोलो बोलो जय मसीह की। बोलो अपने बाजू वाले को, आप ले रहे हो क्या डिसीजन? ये मेरे साथ पूछो, पूछो, आप मेरे साथ ये डिसीजन ले रहे हो क्या? बेड़ा मां खणा पर सब मथा चढ़ी जा है ना, कोई तो बोलेगा ठीक है मैं समझू, लेकिन ये तो फिर मैं छोड़ेंगे ही नहीं। एक बार एक आदमी आया, उसने कहा कि ब्रदर मेरा जो बॉस है ना वो टेबल के आगे बैठता है और मैं पीछे बैठता हूं। यार कभी भी उसका कर्जी का कॉल आता है ना, पैसे चुकाने वाले का, वो हमेशा मुझे बोलता है तू फोन उठा और बोल मैं नहीं हूं। क्या? तू फोन उठा और बोल मैं नहीं हूं। तो उससे बोला ब्रदर मैं झूठ बोलूंगा ना मेरा नौकरी जाएगा। मैं उसको बोलूंगा ना यार मैं नहीं करूंगा तो मेरा नौकरी जाएगा। मैंने कहा ब्रदर आप हमेशा नेगेटिव क्यों सोचते हो? ये भी सोचो कि शायद वो ये कहेगा कि यार ये ईमानदार आदमी है, इसको नहीं निकालना चाहिए। आपको पता है उसने वो डिसीजन लिया और एक दिन अपने उसको बॉस को बोला, बॉस मैं नहीं करूंगा। तो उससे बॉस बोला बोल मैं नहीं हूं। बोला मैं नहीं लूंगा। बॉस ने बोला ये क्या है? मैंने बोला नहीं मैं एक मीटिंग पे जाता हूं, ये बात मेरे कॉन्शियस के खिलाफ है। जानते हैं उस बॉस ने उसको क्या किया? नौकरी छोड़ो 4,000 पगार बढ़ा के दे दी उसको। कितने लोगों ने कहा बस सुनी है, बेईमान से बेईमान सेठ भी मुनीम ईमानदार चाहता है। डू यू नो? आपको क्यों? आप हम लोग क्या सोचते हैं कि अगर मैं अच्छा चला तो सब मुझे कुचल देंगे। आप ये क्यों नहीं सोचते हो कि परमेश्वर कभी भी टेबल को अपसाइड डाउन करता है? बाइबल कहती है जिसका चाल चलन प्रभु को अच्छा लगता है प्रभु उसके दुश्मनों से भी उसका मेल करा देता है। डू यू नो द वर्ड ऑफ प्रोवर्ब्स? जिसका चाल चलन प्रभु को भाता है परमेश्वर उसका जो मेल मिलाप है उसके दुश्मनों से करा देता है। राइट? हाँ आगे पढ़िए ब्रदर। हाँ यीशु गा, आपको कभी गाली पड़ी है? कितने लोगों को गाली पड़ी है? अरे ब्रदर कितनी मस्त होती है ना, रोज पढ़नी चाहिए। बोलिए कितने लोगों को गाली पड़ी है आज तक? कैसे खून खोल उठता है ना हमारा। हाँ कभी ऐसा हुआ है कि गाड़ी चला रहे थे, कोई बाजू से थूक के गया, कुछ छींटे आपको लग गए, कैसे मन होता है जाऊं पकड़ूं उसको, इतना तोड़ूं उसको आज मैं, इतना उसको ठीक करूं। डू यू नो? उसको धन्यवाद दो, धन्यवाद भैया। मैंने पहचान लिया अपने आप को। राइट है? हमारे बॉम्बे में दादर पे झगड़ा होता है डोम्बिवली तक मारते हैं सीट की बात पे। राइट? हाँ आगे पढ़ो। गाली सुन के गाली नहीं देता था। आगे
वो दुख उठाकर किसी को भी धमकी, हाँ धमकी समझते हैं? कितने लोग धमकी देते हैं एक दूसरे को, तेरे को देख लूंगा। सम पीपल से कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, हर कुत्ते के दिन आते हैं। क्या ये सही है? क्या ये बात हमको सोती है कि हम धमकियां दें, हम गालियां दें, हम छल की बातें कहें? एक मसीह व्यक्ति अपनी जुबान से पहचाना जाता है। गालियां, छल की बातें, बुरा कहना, क्या ये सही है? आपको पता है बहुत सारे लोग मुंह से गालियां निकालते हैं लेकिन मन से गालियां देते हैं। एक बार मैं कहां पर नाश्ता खाने गया था, तो मैंने उसको बोला भैया मेरे को टोमेटो सॉस चाहिए। बोला ठीक है ले आता हूँ। जैसे केचप लेकर आया तो मुझे मालूम नहीं था कि उसका ढक्कन जो है ढीला है, और जैसे मैं उसको दबाया पूरा मेरे पैंट के ऊपर, मैं अंदर में बोल रहा था तेरे को पुप। देख, मुंह से गालियां नहीं देते हैं, मन से देते हैं। क्या सही है? बोलिए बोलिए, मन से सोचते हैं, मुसा खराब हलण वारा तू के छज्जे नहीं। बैठो आ सबनी के दिसे दो। देखा आपने, बैठा है वो, कहां जाओगे? बहुत सारे लोग प्रभु को बोलते हैं, प्रभु मैं बदला नहीं ले रहा हूं लेकिन तू लेना। मैं तेरे लिए छोड़ रहा हूं क्योंकि मुझे पता है तू ज्यादा ही मारेगा उसको। क्या ये सब बातें सोती है? ये उस आदमी की दिशा है जो गालियां देते हैं, जो बुरा भला कहते हैं। ये वे लोग हैं जिनके अंदर आज भी उनकी सृष्टि नई नई हुई है। दे आर इन ओल्ड क्रिएशन। पौलुस कहता है जो कोई मसीह में है वे नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। परमेश्वर ने मसीह के द्वारा हमसे मेल मिलाप किया और ये सेवा हमें दे दी। बोलो जय मसीह की। हाँ आगे पढ़िए, एक अभी बहुत अच्छी बात आएगी। बस अभी मुझे ये बात एक्सप्लेन करने के लिए 5 मिनट चाहिए। सब यहां देखिए, बोलो उसने अपने आप को, जोर से बोलिए, फिर से बोलिए, सच्चे परमेश्वर के हाथों में सौंपा। ऐसा नहीं लिखा है। व्हाई पीटर से ही उसने अपने आप को न्याय के हाथों में दिया, परमेश्वर नाम उसने क्यों यूज नहीं किया? डू यू नो, आप बाइबल पढ़ते हैं, आपके पास किताब है, आप ब्लेसेड हो कि परमेश्वर ने आज आपको एक कॉपी दी है घर के लिए। पहले के दिनों में ये बाइबल सबके पास नहीं होती थी, प्रिंटिंग 200 साल पहले आई है खाली। पहले इतनी बड़ी बड़ी किताबें होती थी, वहां जाके पढ़ना होता था। क्यों पत्रस ये नहीं कहता कि उसने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपा? वो कहता है नहीं, उसने अपने आप को न्याय के हाथों में सौंपा, बिफोर द जज। जानते हैं क्यों? जब भी उसको गाली पड़ी उसने अपने स्वर्गीय पिता को देखा। जब भी उसकी मां ने उससे कहा तू पागल है, उसने अपने स्वर्गीय पिता की ओर देखा। आपको पता है यीशु मजबूत क्यों था? क्योंकि उसके साथ जब बुरा होता था वो अपना दृष्टिकोण उन चीजों पे नहीं अपने परमेश्वर की ओर लगाता था। यहां तक के बाइबल कहती है जब 5,000 लोगों को खाना खिलाने के लिए खाना नहीं था तब उसने रोटी ली और स्वर्गीय पिता की ओर देखा। मैं आपसे पूछता हूं, आपको पता है आप कमजोर क्यों हैं? क्यों सहन नहीं कर पाते? क्यों आपकी मॉर्निंग में नींद नहीं खुलती प्रार्थना के लिए? क्यों पैसों का प्रेम है आपके अंदर? क्यों आप किसकी सह नहीं सकते? क्यों आपको ऐसा लगता है कि मैं अकेला हूं? विदाउट फेल मैं एक बात आपको बोलता हूं, तुम्हारा दृष्टिकोण बदल चुका है। तुमने उसकी ओर निहारना बंद किया है। तुमको नहीं पता है वो कौन है। जब मैं कभी भी देखता हूं कि मेरे अंदर टेंशन घुस रहा है, परेशानी घुस रही है, मुझे कुछ फेस करना है और उसका फियर मेरे अंदर घुस रहा है। कभी कभी ऐसा होता है, आपने देखा है कि कुछ आपको फेस करना है, कैसे फियर एक डर हमारे अंदर घुसता है। मैं आपको एक थॉट देता हूं, ये थॉट आपके अंदर डर, भय, चिंता को निकाल सकता है। जानते हैं क्या कीजिए? जब भी आप देख रहे हो टेंशन घुस रहा है, परेशानी घुस रही है, डर घुस रहा है, चिंता घुस रही है, सिर्फ एक चीज कीजिए, अपना मन परमेश्वर की ओर लगाइए और देखिए वो सिंहासन पर बैठा हुआ है। गॉड इज ऑन द थ्रोन, वो बैठा हुआ है। अगर वो सिंहासन खाली है तो डरो, वो डरो, कोई नहीं बैठा हुआ है, कौन रक्षा करेगा? लेकिन याद रखना, मैं ब्रदर सूरज प्रेमानी हेयाव से कहता हूं वो सिंहासन पर बैठा है, किसी को कोई डरने की जरूरत नहीं है, सब चीजें उसके कंट्रोल में है।
इवन आपको मौत भी मौत नहीं दे सकती। बाइबल कहती है मैंने ही अधलोक और मृत्यु की कुंजियां मेरे पास हैं, अब तुम्हें मौत देना भी मेरे हाथ में है। ये बात अलग है कि समय से पहले जो लोग मर रहे हैं वो स्ट्रेस की वजह से मरते हैं, परेशान होने की वजह से मरते हैं, लेकिन अगर आप स्ट्रेस नहीं लेते हो मौत आपको नहीं खा सकती। क्यों पतरस ये कहता है कि उसने अपने आप को सच्चे न्याय के हाथों में सौंपा? जानते हैं वो किस चीज को क्या कर रहा था? वो कह रहा था पिता मेरी बेइज्जती हुई है, मैं छुपूं। पिता मुझे गालियां पड़ी हैं, मैं छुपूं। पिता मेरे साथ लोगों ने अन्याय किया, मैं छुपूं। अब तू न्याय कर। जानते ये न्याय किस बात का न्याय है? ये न्याय ये नहीं है कि इनकी टांग तोड़, ये न्याय ये है कि तीसरे दिन मुझे मुर्दों में से जिला और प्रकट कर मैं तेरा बेटा हूं। 17:1 यूहन्ना में लिखा है समय आ पहुंचा है कि पुत्र की महिमा करके पुत्र भी तेरी महिमा करे। कितने लोगों ने वचन पढ़ा है? ग्लोरीफाई योर सन एंड सन विल ग्लोरीफाई यू। इसका मतलब क्या है? मैं जा रहा हूं मरने के लिए तेरी महिमा के लिए, और मुर्दों में से जिला के तू मेरी महिमा करना। और पतरस कहता है तुमने उसे पापियों के हाथ पकड़वा दिया, परंतु उसे पिता ने मुर्दों में से जिलाया और तुम्हारे सामने भेजा। तुम चाहते हो परमेश्वर तुम्हारी तरफ से बात करे, तो याद रखो जब तुम्हें लोग मारे तो चुप रहो। क्या होता है बपतिस्मा का मतलब? बहुत सारे लोग बपतिस्मा ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं। मतलब क्या होता है? अगर आप और मैं चाहें हम बपतिस्मा ऐसे भी ले सकते हैं। मैं एक पानी में जाता हूं, पूरा अंदर तक जाता हूं, उठ जाता हूं, हो गया बपतिस्मा, पानी के अंदर जाना था ना। लेकिन क्यों परमेश्वर ने कहा बपतिस्मा का मतलब है एक आदमी तुम्हें अपनी पीठ से पकड़ेगा, एक हाथ रखेगा और वो तुम्हें अंदर ले जाएगा और बाहर निकालेगा। इसका मतलब क्या है? आप लोगों को कहते हो ये मेरा जीवन है, तुमको जितना नीचे लेके जाना नीचे लेके जाओ, माई फादर विल रेस मी, मेरा परमेश्वर मुझे जिलाएगा। ये मेरे साथ अच्छा नहीं चलता, वो मेरे साथ अच्छा नहीं चलता, ये मुझे इज्जत नहीं देता, वो मुझे इज्जत नहीं देता। कितना हम लोगों को आज फर्क पड़ता है लोगों के बिहेवियर से। टेल मी, आज अपने इस प्रॉब्लम से डील कीजिए। लोगों के बुरा चलने से आपको इतना फर्क क्यों पड़ता है? टेल मी। जगदीश यहां बैठा हुआ है, ब्रदर आप स्वर्दूत हो बन गए, रेखा सिस्टर आप शैतान हो बन गए। ना मेरे बोलने से वो स्वर्दूत बना, ना मेरे बोलने से वो शैतान बने, तो क्यों फिक्र कर रहे हो? जानते हैं लोगों का ओपिनियन क्या होता है? सुनिए, अब हंसने की बात बता रहा हूं। एक बार पौलुस समुंदर में 24 घंटे यात्रा करके बाहर आया और वो उस समुंदर में उसका जहाज टूट गया था। 24 घंटे वो पानी में तैर तैर के एक कॉर्नर पे पहुंचा जिसका नाम था माल्टा। जैसे वो वहां पहुंचा तो जानते हैं लोगों ने क्या बोला उसको? पौलुस एक काम कर, तू बहुत ठंडी से होकर आया है, बहुत पानी से होकर आया है, आग जला और ताप। जानते हुआ क्या? पौलुस लकड़ियां काट के आया, उसको पता ही नहीं था उन लकड़ियों में एक सांप है, और जैसे उसने लकड़ियों में आग लगाई उस सांप को थोड़ी आंच लगी और वो सीधा पौलुस के हाथ से चिपक गया। सब वहां देख रहे थे और जानते मन में क्या सोच रहे थे? ये आदमी तो नंबर वन पापी है। क्यों? समुंदर से बच निकला तो सांप ने पकड़ा, न्याय इसको छोड़ नहीं रहा। 15 मिनट देखने के बाद ये सब देख रहे थे या तो पौलुस गिरेगा या हाथ सूट जाएगा, लेकिन पौलुस को कुछ भी नहीं हुआ। जानते हैं वही लोग क्या बोल रहे हैं? हाँ ये तो देवता है, ये तो भगवान है, ये तो ऊपर से आया है। 15 मिनट पहले वो सोच रहे थे ये घटिया आदमी है, 15 मिनट पहले ये सोच रहे हैं ये लोग ये भगवान है, ये देवता है, ये परमेश्वर है। डू यू नो जिन लोगों की आप फिक्र करते हो 15-15 मिनट में उनके विचार आपके लिए बदलते हैं। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। बदर चार लोग क्या कहेंगे? खाली एक ही बात कहेंगे, राम नाम सत्य है। डू यू नो किसकी फिक्र करते हैं आप? कहां है आपका दृष्टिकोण?
किसकी तरफ आप देख रहे हैं, क्यों कमजोर हैं, क्यों आपके लोगों के बुरा चलने से आपको इफेक्ट आता है, क्योंकि आपने अपने आप को न्याय के हाथों में नहीं सौंपा है जो आपकी लड़ाइयों को जानता है। और जानते हैं न्याय कैसा किया गया उसका, कैसा किया गया न्याय उसका, मुझे बताइए। जिन लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पे मारा उनकी हालत बाद में क्या की गई, बोली किन लोगों ने उसे मारा? हां जी, नहीं नहीं नहीं, देखो फरीसियों ने पकड़ा, रोमियों को सौंपा, रोमियों ने उसे क्रूस पे चढ़ा दिया। मुझे बताइए उसको मारने वाले कौन थे? रोमी थे, एम आई राइट? रोम गवर्नमेंट ने उसको क्रूस पे चढ़ाया था ना, राइट? जितने लोगों ने उसको मारा उनकी हालत क्या हुई आगे? एक व्यक्ति बताओ जिसको पनिशमेंट मिली है, रोमियो के नाम पौलुस की पत्री, उन लोगों ने उधार पाया। दैट इज अ वे ऑफ गॉड, कि जो लोग आपको सताते हैं और आप उनको उत्तर नहीं देते, परमेश्वर उनको बचाएगा। दैट इज अ जजमेंट ऑफ गॉड। हम क्या सोचते हैं, इनकी हालत खराब करेगा प्रभु? नहीं सिस्टर, काश ये बाइबल आपके लिए खुल जाए। फिलिप्पियों की पत्री पौलुस कहता है, केसर के घराने को नमस्कार। डू यू नो द ग्रीटिंग्स? कौन है केसर? जाइए घर जाके फिलिप्पियों 4 अध्याय पढ़िए, क्या लिखा है, केसर और उसके घर को नमस्कार। जिन लोगों ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया था वे लोगों ने उधार पाया था। आप अगर आज किसकी सह लेते हो, आपको पता है जब आप उनको सुनाते हो ना, आप उनके लिए दरवाजा बंद कर देते हो, लेकिन जब आप सुन लेते हो किसी का, आप उनके लिए स्वर्ग का दरवाजा खोल देते हो। भले मुझे सुना, लॉर्ड जीसस लव्स यू। ये मसीहत थी 2000 साल पहले की, आज लड़ाई झगड़े हैं, पास्टर से लड़ता है, प्रीचर से लड़ता है, रोम में पोप का दर्जा पाने के लिए कोर्ट में खींचते हैं लोग एक दूसरे को। डू यू नो, एक आखिरी लाइन बोल के आई फिनिश्ड, सुनिए। अगर आपको आज ये जानना है कि आप प्रभु यीशु में क्यों आए हैं, तो मैं आपको उसकी नंबर 1 वजह बताता हूं। सबसे पहले इस बात को याद करो, तुम परमेश्वर में, परमेश्वर को समझने और परमेश्वर की तरह बनने के लिए बुलाए गए हो, ना कि कलीसिया को देखने और कलीसिया की तरह बनने के लिए। आई रिपीट अगेन, तुम इस चर्च में या किसी भी चर्च में इसीलिए बुलाए गए हो कि तुम वहां के परमेश्वर को पहचानो और उसकी तरह बनो, न कि मॉडेस्ट दुनिया की तरह। यह लक्ष्य है। अगर यह लक्ष्य नहीं है, मैं आपको बोलता हूं, चर्च आपको बोरिंग लगेगा, आपको मजा नहीं आएगा। थर्ड टाइम आई रिपीट, तुम कलीसिया में परमेश्वर को समझने के लिए और परमेश्वर की तरह बनने के लिए बुलाए गए हो। बेटर, व्हाट अबाउट माय प्रॉब्लम्स, मेरे पास जो समस्या है उनका क्या? तुम ये लक्ष्य रखो, तुम्हारी तकलीफों को खुद ही देख लेगा। पहले तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो और देखो सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। इंग्लिश में लिखा है एडेड टू बी विथ यू, यही लक्ष्य है। अगर ये लक्ष्य नहीं है, यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, आने वाले दिनों में आप मुझे खुद कहोगे, ब्रदर आपने सही बोला पर मुझे समझ में नहीं आई थी बात। मैं सब बातों को भूलकर, पौलुस कहता है, निशाने की ओर दौड़ता हूं ताकि मैं उसको और जानूं। अनंत जीवन सब लोग कहते हैं मरने के बाद है। जी हां, मरने के बाद एक जीवन है, लेकिन उसे अनंत जीवन नहीं कहते हैं। अनंत जीवन यह है कि वो तुझ एकमात्र परमेश्वर को जाने, टू नो गॉड एंड ट्रू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। बोलो जय मसीह की। एग्री? क्यों आए हैं हम प्रभु में, कोई बोलिए।
सब एक साथ बोली, और हाँ परमेश्वर को समझने के लिए और परमेश्वर की तरह बनने के लिए। बोलो जय मसीह की। क्रिस्टल क्लियर, क्या और एक्सप्लेन करूं? बदर भूख लगी है, ढाई बजे खाना खाता हूं, 4 बजे। ये भी परीक्षा है क्या ब्रदर? नहीं नहीं नहीं, सब कन्फेस कीजिए इसको फिर से, क्यों आए हैं प्रभु में? थोड़ा थोड़ा करके जानिए प्रभु को, राइट? जब मेरे कलीसा में कोई भी बुजुर्ग आता है, मैं उसको कभी भी बैठ के हाथ नहीं मिलाता हूं, नेवर। मुझे ऐसा लगता है ये उनकी बेइज्जती है। जब भी आप किसी बूढ़े से मिलते हैं, खड़े हो जाइए और खड़े होकर इसे आदर दीजिए। पता है ये बात कहां लिखा है? लेवी व्यवस्था में। अब आप बोलोगे ब्रदर पुराना नियम तो हम पे लागू नहीं है। लागू नहीं है, किसने बोला लागू नहीं है? पुरानी वाचा तुम पे लागू नहीं है, पुराना नियम कैसे लागू नहीं है? ब्रदर पुराना नियम मुझ पे लागू नहीं है, कौन बोला? यीशु ने कहा व्यवस्था की एक मात्रा बगैर पूरे हुए नहीं टलेगी। आपके ऊपर पुरानी वाचा नहीं है, मतलब परमेश्वर अब आपके पाप पे इतना गुस्सा नहीं करेगा। लेकिन अगर वहां पर लिखा है कि कोई बूढ़ा सामने आए, उसको खड़े होके उसको ये दिखाओ कि हम अपने प्रभु का भय मानते हैं, वो लेने में क्या प्रॉब्लम है? ऐसे करके थोड़ा थोड़ा करके एवरीडे परमेश्वर को जानो, एवरीडे। बोलो जय मसीह की। हाँ ओके।